दोस्तों, इंसान पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और डेवलप स्पीशीज हैं। हम सबसे ज़्यादा डेवलप इसलिए हैं क्योंकि हम में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भरी हुई है, जो हमें पुश करती है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। जो आपने इस समय हाथ में पकड़ रखा है, मतलब आपका फ़ोन, वो भी किसी एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा है। दुनिया में हजारों गैजेट्स लॉन्च होते हैं हर दिन, लेकिन फैक्ट्स फायर की सीरीज में हम आपको ऐसे गैजेट्स के बारे में बताएंगे जो इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव होते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हो द रेयर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और लगभग हर कोई इस समय इंतजार कर रहा है वैक्सीन का। 19 से सबसे ज्यादा खतरा न्यू बॉर्न बेबीज को है, इसीलिए चाइना के शिंघाई स्टेट में रहने वाले एक आदमी ने अपने बच्चे को कोरोना से बचाने के लिए एक सूट बना दिया। आपको बता दें कि यह सूट पूरी तरह से एयर प्रूफ है। सांस लेने के लिए इसमें 100% ऑक्सीजन, यानी जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ किया जाता है, वो इसमें लगाया गया है। इसमें एयर कंडीशनर भी है ताकि जब ज़्यादा गर्मी हो तो उससे बचा जा सके। होम सिक्योरिटी सिस्टम। दोस्तों, अगर आप अमीर हैं, मतलब आपके पास बहुत से पैसे हैं, तो यह सिस्टम आपके लिए है। यह एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपके घर को पूरी तरह से बचाएगा। इसमें कुछ ऐसे सेंसर्स हैं, अगर आपके घर के आसपास कोई भी गतिविधि होती है तो यह उसको नोटिस करके आपको बता देगा। यह आपके फोन से कनेक्टेड होगा और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसको पता है कि इंसान और जानवर और गाड़ियों के बीच का डिफरेंस। खतरा होने पर इसमें से ड्रोन्स निकलेंगे जो कि पूरी तरह से खतरे को चेक करेंगे और आपको बता देंगे कि क्या खतरा है, फिर आप अपनी जान बचा सकते हो। पर इसको खरीदने के लिए आपके पास बहुत से पैसे होने चाहिए। इसकी कॉस्ट है $10,000। फुटस्टेप जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी की खपत हर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन बिजली बनाने के तरीके अब भी वही पुराने हैं। इसीलिए इंग्लैंड की एक कंपनी पेगेवन ने तैयार किया है एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि बिजली तैयार करेगा आपके चलने पर। इस पर जैसे ही वजन पड़ता है, इसके सेंसर्स बिजली बनाना शुरू कर देते हैं। ऊपर से तो यह बिल्कुल स्ट्रीट टाइल्स की तरह ही लगता है। आपको बता दे कि इसे पानी के अंदर भी टेस्ट किया जा चुका है और शायद यह आने वाले टाइम में सड़कों और स्ट्रीट्स पर आपको देखने को मिल जाए। अमेजोन डिलीवरी ड्रोन्स। दोस्तों, 1 अप्रैल को तो हम सबको पता है अप्रैल फूल होता है, यानी लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। जापान में रहने वाले एक आदमी ने 1 अप्रैल 2020 को एक CGI की मदद से ड्रोन्स बना दिए और उसमें दिखाया कि अमेजोन के ड्रोन्स कैसे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कर रहे हैं। यह वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो गई और शायद इसे अमेजोन ने भी देख लिया। कुछ ही दिनों बाद अमेजोन ने ऐसा पेटेंट रजिस्टर करा दिया। अब शायद डिलीवरी के लिए अमेजोन भी इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा। यह कुछ देशों में शुरू हो चुका है, लेकिन इंडिया में इस चीज की परमिशन नहीं मिली है। टेम्पल्स इन जापान। दोस्तों, जब कोई इंसान मरता है तो अलग अलग धर्मों में उसका क्रियाक्रम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जापान का एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जिसमें रोबोट्स का क्रियाक्रम किया जाता है। जब कोई रोबोट मर जाता है तो उसको इस टेम्पल में वो कंपनी जहाँ वो उसका ओनर उसको छोड़ देता है, तो यह टेम्पल उसकी अंतिम क्रियाक्रम करता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, पूरा रीति रिवाज से जैसा बुद्धिस्ट में किसी इंसान का क्रियाक्रम किया जाता है, वैसे ही इस रोबोट का भी क्रियाक्रम किया जा रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनको टेक्नोलॉजी से कितना ज़्यादा प्यार भी है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।